पी पार्टी की ओर से मेयर दयाशंकर तिवारी के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य कोषाध्यक्ष जगजीत सिंह और विदर्भ समन्वयक डॉक्टर देवेंद्र वानखेड़े ने उन्हें शॉल, नारियल, गुलदस्ता भेंट देकर अभिनंदन किया और साथ ही नागपुर के लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित 15 प्रश्नों से जुड़ा एक ग्रीटिंग कार्ड भी सौंपा। इस वक्त बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहर में भाजपा के सत्ता में आने की इस वर्ष 15वीं वर्षगांठ है। पिछले 5 वर्षों में भाजपा राज्य में सत्ता में थी, मुख्यमंत्री भी नागपुर से ही थी, केंद्र में भी बीजेपी की सत्ता है और नितिन गडकरी केंद्र में बड़े मंत्री है, जिसके चलते नागपुर के लोगों को उम्मीद थी कि नागपुर को देश का पहला स्मार्ट सिटी घोषित किया जाएगा। जिस शहर को केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा समर्थन प्राप्त है, उसी शहर में बदलाव आना लाजमी है, लेकिन पिछले 15 सालों में शहर में कोई खास बदलाव नहीं आया, ऐसा उनका कहना था। इस वक्त उन्होंने महापौर दयाशंकर तिवारी से मिलकर लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित 15 प्रश्नों से जुड़ा एक ग्रीटिंग कार्ड भी उन्हें दिया। हालांकि इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी ने वो ग्रीटिंग कार्ड लेने से मना कर दिया। आज 4 मार्च है, आज इनका आखिरी कार्यकाल का दिन है, कल से एडमिनिस्ट्रेटर बैठ जाएगा। गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटर राधाकृष्ण जी को नियुक्त कर दिया है। 15 साल से इनकी सरकार है, 15 साल के सरकार के कार्यकाल के अंदर में इन्होंने कुछ भी नहीं किया। हमने 15 मूलभूत सवाल जो जनता के हित के सवाल हैं वो हमने इनसे किया और इनके हमारे 15 सवालों का एक ग्रीटिंग कार्ड, उनको एक तो शुभेच्छा भी दी, धन्यवाद भी दिया कि 15 साल से वो कार्यकाल कर रहे हैं और उनको हमने ये 15 सवाल कार्ड बना करके दिया जो उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना किया। ये पब्लिक के सवाल है, हमारे सवाल नहीं है, आम आदमी के साधारण इंसान के सवाल है, जो मूलभूत सुविधाओं के सवाल है वो यहाँ नागपुर के अंदर में आज नहीं हुए हैं। उसकी जवाबदेही इनकी बनती है कि 15 साल से हम कार्यकाल में थे, क्या ये स्मार्ट सिटी बनी, क्या यहाँ पे पार्किंग की अरेंजमेंट हुई, क्या फुटपाथ अच्छे किए गए, क्या कॉरपोरेशन के स्कूल अच्छे बनाए गए, अस्पताल है अस्पताल नहीं है, डॉक्टर कितने हैं, पानी का नियोजन का क्या किया, बस के नियोजन का क्या किया, बस के तो 3 कंपनियाँ बदल चुकी है, अभी पूरी सिटी बस बंद है। आज बहुत दुख हुआ मुझे कि एक ब्लाइंड आदमी बेचारा, उसको बस का पास होता है, उसके पास बस में पास के बस नहीं थी, उसके लिए उसको ऑटो के पैसे भी नहीं थे उसके जेब में, वो पैदल पैदल जा रहा था। आज गडकरी साहेबांचं सुद्धा भाषण ऐकलं की आम्ही 87,000 करोड नागपूरच्या विकासाकरता आणलेत आणि आपण आता सांगतात की महापौर साहेबांनी सुद्धा विकास कामांची गाथा आपल्या समोर वाचून दाखवली। आम्ही एक मूलभूत प्रश्न घेऊन गेलो होतो जे नागपूरच्या जनतेचे मूलभूत प्रश्न आहेत, मग तो 24/7 माध्यमातून सर्व नागपूरच्या जनतेला पाणी देण्याचा प्रश्न असेल, आमचं म्हणणं 24/7 OCW आणलं, करोडो रुपये तुम्ही देता, आज नागपूर टँकर मुक्त झालं का याचं उत्तर द्या, नाही जर नसेल झालं तर जबाबदार कोण। नागपूरला पूर्वी 350-400 शाळा होत्या कॉर्पोरेशनच्या, आज त्याची संख्या 100 आली, त्यामध्ये 40,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत होते, आता ते 7,000-8,000-5,000 येऊन चुकली आहे, म्हणजे शाळांची व्यवस्था ठीक नाही। दिल्लीमध्ये अरविंदजींनी जसं दिल्ली मॉडल एकदम शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बनवल्या, आम्ही यांना एक प्रश्न केला की राष्ट्रीय दर्जाच्या जरी काही शाळा बनवल्या असतील तर आम्हाला त्याची यादी द्या, शाळेवर तुम्ही पैसा खर्च करता त्याचं उत्तर काय आहे। आम्ही रोडबद्दल फुटपाथबद्दल यांचं म्हणणं आम्ही खूप स्मार्ट बनवलं आणि रोड खूप चांगले केलेत, पूर्ण शहरामध्ये यांनी दाखवून द्या की या वार्डामध्ये फुटपाथ लोकांना चालण्यायोग्य आहेत, कुठेही 5 किलोमीटर किंवा 2 किलोमीटर फुटपाथ लोकांना चालण्यायोग्य नाही, किंवा नागपुरात 15 वर्षापासून सत्ता आहे, एखादा वार्ड तरी यांनी दाखवून द्या की त्या वार्डाला आम्ही स्मार्ट बनवलं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में जो मॉडल है उसे नागपुर में लागू कराएंगे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहोड़ के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।